हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने मैगी पैकेट से मंचूरियन बनाया है। मैगी मंचूरियन देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी मैगी मंचूरियन। आप भी इसका राज जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिए। मैगी मंचूरियन के लिए मैंने लिए है ये दो मैगी के पैकेट जो 5 रुपीज़ में आते हैं, उसे मैंने 80% तक कुक कर लिया है और उसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी, अच्छे से कट कर लूँगी। आप पहले ही जब बॉईल करते हैं तब भी उसे आप क्रश कर कर डाल सकते हैं। मैंने क्रश नहीं किया था तो अभी मैंने उस पर थोड़ा सा उन्हें तोड़ लिया है और मैंने ये दो मैगी के उसके अंदर जो आते हैं सैशेट वो मैंने डाले हैं। सारे दोनों सैशेट मैं जिसमें डाल रही हूँ और 1 पिंच फूड कलर लिया है। मैगी के मसाला पैकेट में थोड़ा ये नमक और मिर्च होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही नमक लिया है और थोड़ा सा फूड कलर, रेड चिली पाउडर, ये सब इसमें डाल लूंगी। अच्छे से मैंने इसमें डाल लिया है और मैंने प्याज को भी थोड़ा सा, हाफ ऑनियन को मैंने इसमें डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे इस पर, ऐसे ही धीरे से इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूंगी, मैदा और कॉर्नफ्लोर डालूंगी। मैदा हमें सिर्फ थोड़ा ही डालना है, हमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा लेना है। ये अच्छे से बाइंड हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से बाइंड हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है। देखिए इसे मैंने अच्छे से बाइंड कर लिया है, बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए मैंने ऐसे इसे बांध लिया है अच्छे से मैगी को, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं कुकिंग के लिए ऑयल डालूंगी इसे फ्राई करने के लिए। मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल को डाला है और जो हमारा मिक्सचर है इससे मैं थोड़ा ऑयल हाथ पे लगाकर बॉल्स बना लूँगी। देखिए हमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं, अच्छे से हमारे बॉल्स बन रहे हैं। ऐसे ही हमें सारे मंचूरियन बॉल्स बना लेना है। आप जितने साइज़ के चाहे उतने बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। सारे बॉल्स ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है, मैं इन बॉल्स को इसमें डालूंगी। मैंने फ्लेम को लो कर लिया है और इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूंगी। अच्छे से हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है, ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। अच्छे से मैं कड़छी को चलाते हुए मैगी मंचूरियन को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्लेम को मैं हाई कर लेती हूँ। मिनटों में हमारी मैगी मंचूरियन तैयार हो जाएगी। देखिए थोड़ी सी लाइट हो चुकी है हमारी मंचूरियन और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए मैं इसे निकाल लूँगी। बस 1 मिनट के लिए और थोड़ा फ्राई करूँगी। देखिए हमारी मंचूरियन हो चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। मैं इसे टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। ऑयल को अच्छे से निकालते हुए मैं एक टिश्यू पर इसे निकाल लूँगी और एक बैच मैं इसे फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर लिया है। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें थोड़ी सी ऑनियन डालूँगी, इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए इसे अच्छे से हमें बहुत फ्राई नहीं करना है, बस 1 ही मिनट हमें इसे फ्राई करना है। देखिए मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ।
इसे हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है। देखिए हमारी प्याज थोड़ा सा हो चुकी है, मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी और अच्छे से भून लूंगी। हम जब मंचूरियन का ग्रेवी बनाते हैं तो हाई फ्लेम पर ही बनाना चाहिए। देखिए मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ, बस एक मिनट इसे भून लूंगी। फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च इसमें ऐड कर लूंगी। मैंने बॉल्स में भी नमक मिर्च डाला था, सिर्फ सॉस के लिए थोड़ा सा ही डालूंगी। अच्छे से भून रही हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी और थोड़ा इसे चला लूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला, मैं एक स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, एक स्पून रेड चिली सॉस, हाफ टी स्पून डार्क सोया सॉस डालूंगी। डार्क सोया सॉस हमें बिल्कुल कम लेना है वरना हमारी मंचूरियन कड़वी हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी मंचूरियन के लिए अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाए। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को मिक्सचर को एक पानी डालकर थोड़ा सा घोल लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। फ्लेम को लो कर हमें डालना है वरना ये थोड़ा सा गांठ बन जाएगी इसकी। देखिए मैं अच्छे से इसे पका रही हूँ। अब फ्लेम को हाई कर थोड़ा सा अच्छे से बॉईल आने दूंगी। चलिए हमारा सॉस रेडी हो चुका है, अब इसमें मैं मंचूरियन बॉल्स डालूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मंचूरियन से हमारी। मैगी मंचूरियन झटपट बनकर रेडी हो चुकी है। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आप ग्रेवी थोड़ा थिक रखना चाहते हैं तो थिक भी रख सकते हैं, वरना थोड़ा पानी डालकर उसे पतला भी कर सकते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन को डाल दूंगी और मेरे फ्लेम को ऑफ कर लूंगी। हमारी मैगी मंचूरियन बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए हमारी मंचूरियन कितनी अच्छी और कलरफुल बनी है। सिर्फ 10 रुपीज़ में 18 बॉल्स मंचूरियन के बन गए हैं हमारे मैगी मंचूरियन के। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। मैंने इसके सभी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।